हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। महाविद्यालय दंगल में उत्साहित दिखे छात्र व छात्र संघ। राजकीय महाविद्यालय में छात्र संघ चुनाव के मतदान को लेकर छात्रों की भीड़ सोमवार सुबह 8 बजे से ही उमड़नी शुरू हो गई। पुलिस प्रशासन की ओर से महाविद्यालय के दोनों मार्गों पर सुरक्षा के लिए बैरिकेड लगाकर यातायात को रोका गया। NSUI और ABVP के समर्थक छात्र अहिंसा सर्किल पर अपने वाहनों से ग्रामीण क्षेत्रों से छात्रों को मतदान के लिए लाते नजर आए। इस बीच ABVP के समर्थकों ने अपने प्रत्याशी को लेकर नारेबाजी आरंभ कर दी। वहीं अहिंसा सर्कल के दूसरी ओर मौजूद NSUI के समर्थकों ने अपने प्रत्याशी को लेकर नारेबाजी शुरू कर दी। पुलिस प्रशासन ने दोनों ही छात्र संघ के समर्थकों को दूर हटाते हुए नारेबाजी न करने की चेतावनी दी। जैसे जैसे मतदान का समय आगे बढ़ने लगा तो चुनाव में खड़े सभी प्रत्याशी अपने अपने समर्थक छात्रों को ज्यादा से ज्यादा संख्या में वाहनों में भर भर कर अहिंसा सर्कल तक पहुंचाने लगे। पुलिस प्रशासन की ओर से छात्रों के आई कार्ड देखने के बाद उन्हें बैरिकेड पार करने दिया जा रहा था। जिसके पास आई कार्ड मौजूद नहीं थे उन्हें महाविद्यालय की ओर जाने की अनुमति नहीं दी जा रही थी। ABVP के समर्थन में भाजपा के कई पदाधिकारी भी अहिंसा सर्किल पहुंच गए और वे ABVP के प्रत्याशी के समर्थन में प्रचार करते नजर आए। मतदान समाप्त होने का समय दोपहर 1 बजे तक रखा गया। मतगणना 11 सितंबर को रखी गई है। सिरोही से जागरूक TV की रिपोर्ट।